दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं पाइप और टंकी की। चूंकि समय और कार की वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं और अब पाइप और टंकी की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों ये जो पाइप टंकी है एक प्रकार का कार और समय ही है। क्योंकि कार और समय में व्यक्तियों के द्वारा कार्य किया जा रहा था, गड्ढा खोदने का, नहर बनाने का, दीवार बनाने का, दौड़ने का, खाने का, एक्स वाई जेड कुछ भी। और यहां पर क्या होगा कि ये कोई भी टंकी होगी, यहां पर बेटा कोई भी एक टंकी होगी और इस टंकी को नलों के द्वारा भरने का काम किया जाएगा या खाली करने का काम किया जाएगा। तो चाहे तो इसको भरने का काम किया जाए, चाहे भरी हुई टंकी को खाली करने का काम किया जाए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि भरी हुई टंकी खाली हो रही है या खाली टंकी भर रही है। वह शर्त हमें केवल ध्यान देना है कि कार, समय और क्षमता। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि कार बराबर होता है क्षमता गुणा समय। दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, कैपेसिटी इंटू टाइम, यदि दोस्तों आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें जरूर देख लें, क्योंकि पाइप और टंकी का लेवल हमारे समय और कार्य से ही बनेगा। अगर हमें वो नहीं आएगा तो हम इसे नहीं कर सकते। तो सॉरी दोस्तों, आप उसे बिना देखे इसे नहीं पढ़िएगा। अगर आप उसे पूरा पढ़ लेते हो तब इसे पढ़ोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। यदि आप ये चाहते हो कि नहीं नहीं सर, हमको तो इसी को पढ़ाओ, तो दोस्तों मुझे बेसिक से पकड़ना पड़ेगा। बेसिक में आपको क्षमता निकालना सिखाना पड़ेगा, टोटल कार्य निकालना सिखाना पड़ेगा, और तब जाके आप यहां पहुंच पाओगे। और वो चीज, वो वस्तु कला मैंने आपको समय और कार्य में बता दिया है। तो बिना किसी देरी करके चलेगा, आप पढ़ते हैं ए। तो दोस्तों, जब भी कोई नल इसको भरते हैं, जब भी कोई नल जब इस टंकी को भरते हैं तो इनकी क्षमता को हम हमेशा जोड़ देते हैं। जब भी कोई नल किसी टंकी को भरते हैं तो हम उसकी क्षमता को जोड़ देते हैं, और जो नल टंकी को खाली करते हैं, जो नल टंकी को खाली करते हैं उनकी कैपेसिटी यानी उनकी क्षमता को घटा देते हैं। समझना हमको ये है, देखना हमको ये है कि ये जो आपकी कैपेसिटी रहती है, जो क्षमता रहती है, वो किस प्रकार से निकालते हो। तो सबसे पहले दोस्तों, यहां पर आप ये समझिएगा कि जो नल टंकी को भरते हैं उनकी क्षमता को जोड़ा जाता है और जो नल खाली करते हैं उनको घटाया जाता है। परंतु कम से कम ये तो पता पड़ जाए कि उनकी क्षमता क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है। अब बात यह आती है कि सर क्षमता किसे कहते हैं। तो चूंकि मैंने कार्य समय में बताया है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में या एक घंटे में किया गया कार्य, अगर यहां पर नल होंगे तो एक घंटे में वह कितनी टंकी भर सकते हैं, और एक घंटे में वह जितनी टंकी भर सकते हैं, एक घंटे में जितनी टंकी भर सकते हैं वही उनकी क्षमता है। जैसे कि आपको अलग अलग नलों के कार्य करने का समय दिया होगा, अर्थात टंकी को भरने का या खाली करने का समय दिया होगा। तो दिए हुए समय का आप एलसीएम लोगे, दिए हुए समय का आप एलसीएम लोगे, जिससे आपको कुल कार्य प्राप्त हो जाएगा, अर्थात ये प्राप्त हो जाएगा कि टंकी में कुल कितना लीटर पानी आता है। अलग अलग दिए हुए समय का एलसीएम लोगे, जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि इस टंकी में कुल कितना पानी आता है, और फिर कार्य में उस समय का भाग दे दोगे। क्योंकि दोस्तों कुल कार्य बराबर होता है क्षमता गुणा समय, तो क्षमता बराबर होता है कुल कार्य बटे समय। यदि कुल कार्य में आप समय का भाग दोगे तो आपकी क्षमता निकल आएगी। तो इस प्रकार से अगर नल भर रहे हैं तो उनकी कैपेसिटी जोड़ देंगे और जो खाली कर रहे हैं उनकी क्षमता घटा देंगे। तो चलेगा दोस्तों, प्रश्न कैसे बनता है बिना किसी देरी के समझते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। देखो,
प्रश्न ऐसे बनेगा कि दो नल ए और बी, पहला क्वेश्चन, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। दो नल किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं, यानी कि ये भरने का समय दिया है, 10 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि यह दोनों मिलकर टंकी भरें तो वह कितने समय में भर जाएगी, यदि वह दोनों मिलकर टंकी भरें तो कितने समय में भर जाएगी। इसके लिए बेटा आप इसका एलसीएम लोगे, तो एलसीएम आएगा 60। जो एलसीएम आया है ना, यही तो टोटल वर्क है, कुल कार है। कार बराबर होती है समय गुणा क्षमता, या क्षमता गुणा समय, ये कुल कार आ गया। यानी कि किसी भी टंकी में, कोई भी टंकी मान लो, इस टंकी में 60 लीटर पानी आता है। अगर नल ए अकेला भरेगा तो 10 घंटे में भर देगा, और बी अकेला भरेगा तो 12 घंटे में भर देगा। तो दोस्तों समझना यह है कि कुल इतना हो गया, ये टोटल कार्ड हो गया। अगर इस समय का, ये दोस्तों टाइम है, समय है, यदि समय का क्षमता में भाग, वो कार में भाग दोगे तो क्षमता निकलेगा। तो दोस्तों 10 का भाग दोगे आएगा 6, इसका भाग दोगे आएगा 5। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि ए एक घंटे में 6 लीटर पानी भरता है, नल ए एक घंटे में 6 लीटर पानी भरता है। तो दोस्तों एक घंटे में भरता है 6, तो दो घंटे में भरेगा 12, तीन घंटे में भरेगा 6 × 3 = 18। यानी समय और क्षमता का गुणा करेंगे तो कार आ रहा है। तो बोले 10 घंटे में भर देता है ना, तो 10 घंटे में भरेगा तो 10 × 6 कितना हो गया, 60। पूरी टंकी भर गई ना, तो अर्थात ये क्षमता हो गई, ये कैपेसिटी हो गई। परंतु प्रश्न में ये नहीं पूछ रहा है, प्रश्न में ये कह रहा है तो बताइए दोनों मिलकर टंकी को कितने में भरेंगे। तो ये समझ लीजिएगा कि एक दिन में, एक घंटे में सॉरी, ये भर रहा है 6 लीटर, बी भर रहा है 5 लीटर, तो कुल टंकी कितनी भर रही है एक घंटे में, 11 लीटर। तो ये हो गई दोनों की क्षमता, ए और बी की। कुल कार कितना है 60, तो कुल कार में यदि क्षमता का भाग दे दोगे तो बेटा आपका ये समय निकल आएगा, अर्थात ए और बी नल मिलकर इसे कितने समय में भरेंगे। 11 × 55, बचे शेष 5, शेष ऊपर आते हैं 9। अगर दोनों मिलकर भरेंगे तो 5 घंटे, यानी 5 × 5 = 11 घंटे में भर जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा कैसे बनते हैं। 3 नल पी क्यू आर, 3 नल पी क्यू आर टंकी को क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। 3 नल पी क्यू आर किसी टंकी को 10 घंटे, 12 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों को किसी खाली टंकी में एक साथ चालू कर दिया जाए, यदि तीनों को किसी खाली टंकी में एक साथ चालू कर दिया जाए तो बताइए है टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो दोस्तों अब आपको ये समय मिल गया कि ये तीनों का समय है इतने। अगर P अकेला भरेगा तो 10 में, Q अकेला भरेगा तो 12 में, और R अकेला भरेगा तो 15 घंटे में भर देता है। अगर आप इनका टोटल एलसीएम ले लेंगे तो आपका ये टोटल वर्क आएगा, और टोटल वर्क आ जाएगा आपका 60। कुल कार आ जाएगा बेटा 60। अर्थात अब आप कह सकते हैं कि ये तीनों अगर भरेंगे तो टंकी में 60 लीटर पानी भरना चाहिए। चूंकि अब क्षमता निकालना है तो कुल कार में समय का भाग दोगे तो इसकी क्षमता आएगी 6, 12 का भाग दोगे 5, 15 का भाग दोगे 4। तो यानी कि एक घंटे में P भर रहा है 6, Q भर रहा है 5 और R भर रहा है 4। अगर ये तीनों भरेंगे तो तीनों मिलके भरेंगे, अगर तीनों एक साथ में चालू कर देंगे 6, 5, 11 और 15, तो ये तीनों की कैपेसिटी अर्थात तीनों की क्षमता कितनी आ गई। ये यूं कह लीजिएगा कि पी क्यू आर तीन व्यक्ति हैं, एक बार में ये खाता है 6, क्यू खाता है 5, आर खाता है 4, तो अगर ये मिलके खाएंगे तो कितनी खा लेंगे एक बार में, 15, यानी कि 15 लीटर भर देंगे। और कुल कितना भरना है 60, तो अगर 60 में क्षमता का भाग दे देंगे तो ये समय आ जाएगा 15 × 60, यानी कि 4 घंटे में। दोस्तों कुछ हमारे मित्र
ये कह रहे होंगे कि सर ये तो बिल्कुल समय और कार्य है। हाँ, जिन्होंने समय और कार्य देखा है वो समझ जाएंगे कि ये तो वही सब कुछ है, थोड़ा सा अंतर है, कहीं भी कुछ नहीं है। हम लोग इसको हुआ बना लेते हैं, सर पाइप टंकी, सर पाइप टंकी, सर पाइप टंकी, पाइप किस्टम करा दो, पाइप किस्टम करा दो। अरे कुछ भी नहीं है। यदि हम इसको ध्यान से एक बार पढ़ लें तो जीवन में कभी नहीं भूलें, क्योंकि कंसेप्ट पकड़ना है कि जो खाली करता है घटाना है और जो भरता है उसे जोड़ना है, बस। और पूरा टाइम एंड वर्क है, समय और कार है, उसे पढ़ लो, प्रश्न बनेगा। देखिएगा तीसरा प्रश्न दोस्तों, किसी टंकी में ए और बी दो नल हैं, किसी टंकी में ए और बी दो नल हैं, जिसमें बी निकासी नल है तथा ए ये टंकी का भराव नल है। ए और बी किसी टंकी में दो नल हैं, जिसमें बी निकासी नल है और ए भराव नल है। अर्थात कहने का मतलब हो गया बी उसके पानी को निकालता है और ए भरता है। तो प्रश्न कैसे बनेगा दोस्तों, लिख लेना। ए किसी टंकी में ए और बी दो नल हैं, जिसमें बी निकासी नल है और ए भराव नल है। ये किसी टंकी को 15 घंटे में भर देता है, ये किसी टंकी को 15 घंटे में भर देता है तथा बी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर देता है। यदि खाली टंकी में दोनों एक साथ चालू कर दिए जाएं, तो बताइए टंकी कितने समय में भर जाएगी। प्रश्न समझे? अब देखो, पहले इसको थोड़ा प्रैक्टिकल समझ लो। जैसे कि एक कोई टंकी है बेटा, ये टंकी है, इसमें एक नल लगा है ए और एक नल लगा है बी, ये खाली कर रहा है और ये भर रहा है। तो अब आप एक बात बताइए, टंकी में जब हम दोनों नल चालू करेंगे तो ए पानी भरेगा और उसमें से कुछ पानी बी बाहर निकालेगा, ए भरेगा और बी कुछ पानी क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो क्या होगा कि ए भरेगा उसमें से बी कुछ बाहर निकालेगा, तो टंकी जितनी स्पीड से भरनी चाहिए उतनी स्पीड से नहीं भरेगी, क्योंकि अगर इवाला नल अकेला चल रहा होता और बाहर पानी नहीं निकल रहा होता तो जल्दी भर जाती, क्योंकि कुछ पानी बाहर भी निकल रहा है इसलिए देरी से भरेगी। याद ये भी रखना है कि हमेशा खाली करने वाले नल का समय अधिक होगा। यदि नॉर्मल सी बात एक ये है कि दोस्तों यदि इसका समय कम हो गया, हाँ अगर समय कम हो जाएगा तो क्षमता ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि समय और क्षमता एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। यानी कि यूं समझ लीजिएगा कि जब किसी काम को एक छोटा बच्चा करता है तो उसको अधिक समय लगता है, क्योंकि उसकी क्षमता कम होती है, और इसी काम को यदि बड़ा बच्चा करता है, बड़ा व्यक्ति करता है, तो उसको कम समय लगता है क्योंकि उसकी क्षमता अधिक होती है। तो इसके लिए कुछ नहीं, वही दोनों का एलसीएम तो दोस्तों 30 आएगा, यानी कि टंकी में इसमें 30 लीटर पानी बनना है। कंसेप्ट्स भी समझना मेरा, और ये भर रहा है, ये समय का भाग दूंगा तो क्षमता आएगी, कैपेसिटी 15 दूनी 30, 30 से कम 30, यानी कि ये समझ लीजिएगा कि ए एक घंटे में 15 दो भर रहा है, ए एक घंटे में 2 लीटर पानी भर रहा है और बी 1 लीटर खाली कर रहा है। ए ने भरा 2 और उसमें से बी ने निकाल दिया 1, तो रह कितना गया इसमें, केवल 1 लीटर। दोबारा समझो, यानी कि ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि ए किसी टंकी में 1 घंटे में 2 लीटर पानी ला रहा है और ए 2 लीटर पानी ला रहा है और उतने ही समय में बी 1 लीटर पानी निकाल रहा है। तो आप ये देखिएगा, बी 1 निकालेगा, ए 1 2 गाड़ डालेगा, तो 2 जब भरेगा उसमें से 1 निकल जाएगा तो कितना रह जाएगा, 1। यानी कि ए ने 1 घंटे में केवल 1 ही लीटर पानी डाल पाया और कुल पानी कितना चाहिए, 30। तो नॉर्मल सी बात ये जनरली समझ सकते हो कि ए को भरने में 30 घंटे लगेंगे। और वैसे भी हमने सिखाया है कि निकासी को घटा देते हैं तो 2 में से 1 जाएगा, तो ए अर्थात ए और बी की क्षमता आ गई।
क्षमता का समय में वो कार्य में भाग देंगे तो बेटा समय आएगा और समय आ गया 30 घंटे। चलेगा चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। ए बी सी किसी टंकी में 3 नल लगे हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी सी किसी टंकी में 3 नल लगे हैं। ए और बी क्रमशः इस टंकी को बीस तथा 25 घंटे में भर देते हैं। एक टंकी में ए बी सी 3 नल लगे हुए हैं। ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 25 घंटे में भर देते हैं तथा सी भरी हुई टंकी को 50 घंटे में खाली कर देता है। यदि किसी खाली टंकी में तीनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो यह टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो आपको देखना यह है कि सी बेटा निकासी नल है क्योंकि खाली कर रहा है और ए भर रहे हैं, तो ये दोनों प्लस होंगे और ये क्या हो जाएगा माइनस। वही फॉर्मेट जो पुराना था, कुछ नहीं है, एलसीएम लोगे आएगा 100, यानी कि इस टंकी में 100 लीटर पानी आना चाहिए। पूरी टंकी 100 लीटर में भर जाएगी। 20 का भाग देंगे 100 में कितना आएगा 5। दोस्तों ये क्षमता निकल रही है। 25 का देंगे 4, 50 का देंगे 2। यानी कि यूं समझ लीजिएगा कि ए एक घंटे में 5 भर रहा है, बी एक घंटे में 4 भर रहा है। अगर हम तीनों को एक साथ चालू करेंगे तो ये दोनों भरेंगे और ये निकालेगा। यानी कि ए और बी ने कुल कितना भर दी, 5 और 4 9, और उतने में से सी ने 2 निकाल दिया तो बचा कितना 7। यानी कि एक घंटे में टंकी में 7 ही लीटर पानी आ पाया, आना चाहिए था 9, चूंकि इसने निकाल दी। बहुत से बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि खाली टंकी में एक साथ चालू कर दिया जाए, तो समझना निकासी नल हमेशा घटेगा जुड़ेगा नहीं, क्योंकि तीनों को चालू किया गया है तो वो तो निकासी नल है भैया, वो तो निकालेगा। तो दोस्तों क्षमता आ गई 7, 100 में 7 का भाग दे देंगे दोस्तों आपका समय आएगा कैसे, 7 एकम 7, 10 में से 7 गए 3 बचे, 7 चौक 28 लो ओके, 14 सही 2/7 घंटे में। चलिएगा कोई बात नहीं है, हम अगला 5 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, कहीं भी कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं है, सुनिएगा ध्यान से। प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कि पी क्यू आर एक टंकी के 3 नल हैं। पी क्यू आर एक टंकी के 3 नल हैं जिसमें आर निकासी नल है। पी क्यू आर एक टंकी के 3 नल हैं जिसमें आर निकासी नल है। पी क्यू आर एक टंकी के 3 नल है जिसमें आर निकासी नल है और शेष 2 नल टंकी को भरते हैं। यदि बी इसी टंकी को 20 घंटे में कॉमा क्यू इसी टंकी को 30 घंटे में भरते हो तथा आर भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली करता हो, तो पहले पी और क्यू को इस टंकी में पहले पी और क्यू को इस टंकी में दो घंटे चलाने के बाद भरी हुई टंकी को निकासी नल आर कितने समय में खाली कर देगा। पी और क्यू को 2 घंटे चलाने के बाद, यानी पी और क्यू 2 घंटे में जितनी टंकी भरेंगे उसको आर भरी हुई उतनी ही भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली करेगा। आपका नया क्वेश्चन सुना, चूंकि आप सबसे पहले एलसीएम लेते हो, एलसीएम आएगा आपका 120। देख लीजिएगा इसका इसमें भाग दोगे 20 का भाग दोगे 6, 30 का भाग दोगे 4, 40 का भाग दोगे 3। ये आ गई क्षमता, क्योंकि कार में वर्क में टाइम का भाग दोगे तो क्षमता आएगी। अब आप यहां से अगर वो ये पूछता है ना कि टंकी में कुल कितनी क्षमता है, टंकी की कैपेसिटी कितनी है, तो बता देना टंकी की क्षमता है 120 लीटर की। अगर तीनों नलों को एक साथ खाली टंकी में चालू कर दिया जाए, चूंकि हम अभी तक ये पढ़ के आ रहे हैं तो ये भी बन सकता है, फिर चूंकि प्रश्न इसमें ऐसा नहीं पूछा है, फिर भी बना के देख लो क्या जा रहा है रिवीजन। तो दोस्तों
अगर खाली टंकी में तीनों को एक साथ काली चालू कर दिया जाए तो ये दोनों जुड़ेंगी और ये क्या होगा, भरेगा। तो 6 और 4 10, पी और क्यू इस टंकी को एक घंटे में 10 लीटर भरेंगे और उतने ही समय में यार 3 लीटर पानी बाहर निकाल देगा। तो टंकी में कितना रह गया, 7 लीटर। टंकी में तो केवल 7 ही रह गया ना, तो क्षमता हो गई बेटा कितनी, 7। और कार कितना है, ये समय निकालोगे 7 का भाग दोगे तो आपका समय आ जाएगा यदि तीनों नलों को एक साथ चालू कर दिया जाए। क्योंकि ऐसा नहीं पूछा है, पूछा क्या है उसे देखो। उसने पूछा ये है कि पी और क्यू दो नलों को, पी और क्यू दो नलों को 2 घंटे टंकी में चालू रखा जाए और फिर भरी हुई टंकी को जितनी 2 घंटे में भर देंगे उसे क्यू नल कितने समय में खाली करेगा। तो देखना पी और क्यू को 2 घंटे, तो पहले पी 1 घंटे में भर रहा है 6, क्यू 1 घंटे में भर रहा है 4। तो 1 घंटे में, 1 घंटे में पी और क्यू कितनी भर रहे हैं, 10। तो 2 घंटे में कितने भरेंगे, 20। तो 2 घंटे में उन्होंने 20 लीटर भर दिया। तो 20 लीटर पानी को आर अकेला कितने समय में निकालेगा, तो दोस्तों पानी है 20 लीटर, 1 घंटे में निकाल रहा है आर 3। तो 1 घंटे में 3, 2 घंटे में 6, 3 घंटे में 9, 4 घंटे में 12, 5 घंटे में 15, 6 घंटे में 18। 6 घंटे में 18 लीटर पानी निकाल देगा, बचा कितना लीटर, 2 लीटर। चूंकि हमें इसको ऐसे नहीं करना है, ये तो मैंने बेसिकली समझाया है। तो ये आ गया कुल कार्य, 2 घंटे में कार्य, और कर कौन रहा है, आर। तो दोस्तों आर का समय, आर का समय निकालेंगे तो 20 में दोस्तों 3 का भाग दे देंगे तो 6 सही 2/3। अर्थात इतनी भरी हुई टंकी को, इतनी भरी हुई टंकी को आर इतने समय में खाली कर देगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, प्रश्न बनता कैसे है आगे देखिएगा। मैं मिटा दिया है, आपको रिपीट करके देखना है तो देख लीजिएगा। चूंकि अगर बेटा ये आपको बात कम समझ में आ रही है तो समय और कार जरूर देख लें, क्योंकि समय और कार पे पूरा वही हाल है। दोस्तों अगला क्वेश्चन बनता है कैसे, यू देखिएगा। पी क्यू तथा आर एक टंकी के 3 नल हैं। पी क्यू तथा आर एक टंकी के 3 नल हैं, जिसमें पी निकासी नल है, पी निकासी नल है। यदि पी निकासी नल है, दोस्तों समझना, यदि पी इस टंकी को 50 घंटे में खाली कर दे, यानी जब टंकी भरी हो और अकेले पी नल को चला दो तो 50 घंटे में खाली, यदि पी इस टंकी को 50 घंटे में खाली कर दे तथा क्यू और आर क्रमशः और आर क्रमशः 10 घंटे और 20 घंटे में भर दें, तो एक तो क्वेश्चन नहीं बना, एक तो क्वेश्चन नहीं बना कि तीनों को एक साथ चालू कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन अब इसमें यह नहीं बनेगा, तो क्यू और आर तथा, देखो क्यू तथा आर इस टंकी को 10 घंटे या 20 घंटे भर दे, तो प्रारंभ के 2 घंटे, प्रारंभ के 2 घंटे पी तथा क्यू को चलाया जाए, प्रारंभ के 2 घंटे पी तथा क्यू को चला जाए, फिर नल आर को भी चालू कर दिया जाए, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। प्रारंभ के 2 घंटे किस किस को चलाया जाए, पी और आर को, तो पी निकालेगा और आर भरेगा, और 2 घंटे के बाद आर को भी चालू कर दिया जाए तो वह टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखो ये लो, सबसे पहले एलसीएम लोगे आप दोस्तों, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। चलो एलसीएम ले लिया 100, तो आप समझ गए इस टंकी में 100 लीटर बनेगा। लो साहब इसकी क्षमता है 2, इसकी क्षमता दोगे 10, इसकी क्षमता दोगे 5, यानी ये निकाल रहा है और ये भर रहे हैं। 1 घंटे में पी 2 लीटर पानी निकालता है, क्यू 10 भरता है और आर 5 भरता है। क्योंकि उसने ये कहा है कि पी और क्यू को 2 घंटे तक चलाया जाए, तो चूंकि क्यू भर रहा है और ए निकाल रहा है, तो भाई साहब इसको माइनस कर देंगे, ये वाला माइनस हो जाएगा,
उल्टा कर दिया है मैंने इसको, कैसे भी लिख दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्षमता कभी ऋणात्मक नहीं होती, याद रखना। तो दोस्तों ये खाली कर रहा है और ये भर रहा है। तो दो घंटे तक चलाए, तो पहले पी और क्यू की क्षमता निकालो। क्यू ने एक घंटे में 10 भरा और पी ने 2 निकाल दिया, तो बचा कितना? 8। बचा या नहीं बचा? यानी टंकी में केवल 8 ही लीटर पानी आ पाया। क्यों? क्योंकि क्यू ने तो 10 लीटर डाला था, परंतु जब तक पी ने 2 खाली कर दिया तो बचा कितना? 8। 8 लीटर पानी बचा। अब इस 8 लीटर पानी को 2 घंटे तक चलाओगे तो कितना भर गया भैया? 16। यानी कि 16 लीटर पानी भर गया। कुल पानी कितना भरना है? 100। तो भाई साहब शेष पानी और कितना बचा? तो भाई साहब यानी कि 100 लीटर काम करना था जिसमें से 16 काम हो गया, तो 100 में से 16 घटा दोगे तो आप कहोगे कि 84 लीटर पानी और भरना है। तो 2 घंटे बाद तो नल आर भी चालू कर दिया है। तो अब ये तीनों करेंगे, Q+R-P, तीनों करेंगे। तो अब Q और R भर रहे हैं और ये खाली कर रहा है, तो इनको जोड़ देंगे 15 और ये घटा देंगे, कितना आ गया? 13। अब काम कितना बचा है? 1। तो ये तीनों अब इतना लीटर पानी कितने समय में भरेंगे? तो 84 में 13 का भाग दे देना, आपका आ जाएगा समय 13×5=65, 13×6=78, 13×6=78, 84 में से 78 घटाओ, 6 बचेंगे, समय आ गया। 84 में से 78 घटाओगे, 6 बचेंगे, यानी कि 84 लीटर पानी 6 घंटे यानी 6/6/13 घंटे में भर देंगे। और 2 घंटा काम यहां हो चुका है, तो 6 घंटे यहां हो गया, 2 यहां हो गया, तो कुल समय कितना हो गया? तो बेटा कुल समय निकालेंगे तो 2+6=6/13, तो 6 और 2 हो गए 8। क्योंकि दोस्तों जब भी कोई मिश्र भिन्न आ जाए, याद रखना, तो यहां पर कोई चिन्ह नहीं होता, तो इसको स्थान पर प्लस का चिन्ह होता है, आप इसे ऐसे लिख सकते हो। यदि आप इसे ऐसे लिखोगे, इसे ऐसे लिखोगे, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। तो आप इसको कहोगे कि 8/6/13। क्लियर दोस्तों? यही क्वेश्चन इसी जैसा और भी बनता है, तो ध्यान से देखना जरा इस क्वेश्चन को, मैं इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाऊं। दोस्तों प्रश्न ये बनता है कि एक टंकी में एक नल ए है जिसको 50 घंटे में भर देता है। एक टंकी में एक नल ए है जिसको 50 घंटे में भर देता है, तथा इसमें छेद होने के कारण या रिसाव होने के कारण भरी हुई टंकी 150 घंटे में खाली हो जाती है। दोस्तों ध्यान से सुनना, एक नल ए जो इस टंकी को 50 घंटे में भर देता है, और रिसाव होने के कारण यह टंकी यानी कि यह छेद या रिसाव भरी हुई टंकी को 150 घंटे में खाली कर देता है। यदि खाली टंकी में नल ए को चालू कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो आपको समझना यह है कि जब टंकी खाली है और ए को चालू करोगे तो भैया रिसाव भी तो अपना ही काम करेगा, रिसाव तो खाली करेगा, तो दोस्तों रिसाव खाली करेगा, इस प्रकार से आप ले लेना। तो दोस्तों एलसीएम लोगे वही 150, इसका भाग दोगे 3, इसका भाग दोगे ए, यानी ए भर रहा है, ए खाली कर रहा है, तो क्षमता हो गई 2। 2 का कुल कार्य में भाग दे दो, आपका समय आ जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं। अब मैं टाइप अगले की भी बात कर लूं। दोस्तों आपका टाइप अगला भी कैसे बनता है, सुनो ध्यान से, प्रश्न इसमें और भी बनते हैं, और भी टाइप बनते हैं। देखिएगा दोस्तों किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जैसे कि वो ये कहेगा कि ए टाइप दूसरा देख लीजिएगा, आपको ये समझ में आना चाहिए कि तुलना हमेशा समान चीजों में होती है, कंपेयर ऑलवेज इक्वल पार्ट में होती है। हाँ तो वो प्रश्न ये बनाएगा, कुछ इस तरह से बनाएगा, समझिएगा। किसी नल के द्वारा
टंकी का 1/3 भाग भर दिया जाता है। सुनिएगा पहला प्रश्न, किसी नल के द्वारा टंकी का 1/3 भाग भर दिया जाता है, जो सुनिएगा दोबारा, किसी नल के द्वारा टंकी का 1/3 भाग भर दिया जाता है जो 60 लीटर पानी के बराबर है, जो 60 लीटर पानी के बराबर है, तो बताइए पूरी टंकी में, तो बताइए पूरी टंकी में कितना लीटर पानी आएगा। तो दोस्तों 1/3 भाग भर दिया जाता है, 1/3 भाग भर दिया जाता है, और कुल कितना आता है, 1/3 भाग आता है 60 लीटर के बराबर। यानी कि जब टंकी का 1/3 भाग भर जाएगा तो समझ लो उसमें 60 लीटर पानी आ गया, और 1/3 होता है 1/3। आप यूं समझ लीजिएगा, अगर इस भरी हुई टंकी को हम बराबर बराबर तीन भागों में बांट दें तो एक भाग में 60 लीटर पानी आएगा। तो इसमें भी 60, इसमें भी 60, कुल टंकी कितने में भर गई, 180। तो सीधी बात, 1/3 भाग 60 तो नीचे ऊपर जाएगा, तो कुल पानी कितना आएगा, सोचो 60 × 3 = 180। चूंकि ये प्रश्न ऐसे नहीं बनता, प्रश्न बनता कैसे है वो देखो। प्रश्न यूं बनेगा कि एक नल किसी टंकी के 2/5 भाग को, एक नल किसी टंकी के 2/5 भाग को 4 घंटे में भर देता है, एक नल किसी टंकी के 2/5 भाग को 4 घंटे में भर देता है, 2/5 भाग को 4 घंटे में भर देता है, और इस टंकी में कुल 100 लीटर पानी आ जाता है, और इस टंकी में कुल 100 लीटर पानी आ जाता है, तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। दोबारा समझ लीजिएगा, एक नल किसी टंकी के 2/5 भाग को 4 घंटे में भर देता है, अर्थात इसमें कुल 100 लीटर पानी आ जाता है, यानी कि 2/5 बराबर 100 लीटर पानी आ जाता है। तो बताइए टंकी के पूरे भाग को भरने में कितना समय लगेगा। तो जरा सोचना, समझना, टंकी के 2/5 भाग को भरने में 4 घंटे लग गए, और 2/5 कितने के बराबर है, 100 लीटर के। तो कुल पानी निकालने के लिए दोस्तों नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे ऐसे करोगे, 2 का भाग दोगे 50, कितना हो गया 150। यानी कि 2/5 100 लीटर के बराबर है, तो टंकी में कुल 250 लीटर पानी आएगा, अर्थात वह टंकी 250 लीटर में पूरी भर जाएगी। और 100 लीटर पानी कितने में भर रहा है, 4 में, समझना, 100 लीटर पानी 4 में, तो अगला 100 लीटर पानी भी 4 में, और बचा 50 लीटर, तो 50 लीटर पानी 2 में, तो कुल कितना हो गया भाई साहब, 10 घंटे में भर जाएगी ब्लॉक को। आपके मन में एक बात और आई कि सर हम ऐसे ही करेंगे क्या पूरा, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं, ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से बनते हैं और ऐसे ही बन जाते हैं, नॉर्मली क्वेश्चंस बनते हैं, बड़े आसानी से बन जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न मैं एक और रखता हूं, देख लीजिएगा। एक नल किसी टंकी के 1/5 भाग को 5 घंटे में भर देता है, एक नल किसी टंकी के 1/5 भाग को 5 घंटे में भर देता है, और इस टंकी में 5 घंटे में 1000 लीटर पानी आ जाता है, तो बताइए पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। प्रश्न यू बना कि एक नल किसी टंकी के 1/5 भाग को 5 घंटे में भर देता है, और 5 घंटे में 1000 लीटर पानी आ जाता है, तो बताइए पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। आपको यूं समझना है कि 1/5 भाग जो भरा है वो कितने लीटर पानी के बराबर है, 1000 लीटर के, और वो कितने घंटे में भर रहा है, 5 घंटे में, कितने घंटे में भर रहा है,
पांच घंटे में तो कुछ नहीं, नीचे का कहां चला जाएगा, ऊपर। तो बेटा कुल पानी आ जाएगा, तो कुल पानी आ जाएगा, कुल कितना हो गया 5000। तो कुल हो गया 5000 पानी। तो दोस्तों आप समझ लीजिएगा कि 5 घंटे में आ रहा है 1000, तो दोस्तों 5 घंटे में 1000, तो अगले 5 घंटे में भी 1000, अगले 5 घंटे में भी 1000, और अगले 5 घंटे में भी 1000, इस प्रकार से 5 घंटे में भी 1000, और अगले 5 घंटे में भी 1000। तो समझ लीजिएगा कुल कितने घंटे लगेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, अर्थात 25 घंटे में भर जाएगा। सर ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, थोड़ा छोटा कर दो। तो मैं इसका एक लॉजिक और बता देता हूँ आपको, आसान सा लॉजिक है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे निकाल तो आप भी सकते हो इसको, कुछ नहीं होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है इसका। देखिएगा इसको कैसे करेंगे, 2/5 भाग कितने घंटे में भर रहा है, 4 घंटे में, तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, खटाक। तो एक एक यानी कि पूरी टंकी भर जाएगी 5/2, तो 2 × 4 = 10 घंटे में ब्लॉक। हां 1/5 भाग भर रहा है 5 घंटे में, तो 1/5 = 5, तो नीचे का ऊपर चला जाएगा, ऊपर का नीचे, तो 1/5 25/1 पूरा भर गया कितने घंटे में, 25 में। एक क्वेश्चन और ले लीजिएगा चौथा, जल्दी से करिएगा, बहुत जल्दी करिएगा। एक नल किसी टंकी का 2/2/7 भाग, एक नल किसी टंकी का 2/7 भाग 10 घंटे में भर देता है। यदि 2/7 भाग पानी 2000 लीटर के बराबर हो तो बताइए, पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो आपको यह देखना है कि इतना भाग इतने समय में भराना, तो 2/7 = 10, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो 7 नीचे का ऊपर जाएगा, ऊपर का 2 नीचे आएगा, 2 × 5 = 10, 7 × 5 = 35, पूरी टंकी कितने में भर जाएगी, 35 घंटे। घंटा है तो घंटा, मिनट है तो मिनट। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न हमारे बनते हैं, तो आप इस पाइप एंड कस्ट्रम, पाइप और टंकी को अच्छे से देख लीजिएगा, रिपीट कर करके देख लीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से भी करवाएं। प्रिय दोस्तों इस प्रश्नों का लाभ आप नहीं, आप अपने दोस्तों को भी दें। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने बेसिकली पढ़ाया है, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया है, और वो दोस्तों ये यूनिट समय और कार पर डिपेंड है, एकदम बेसिकली पढ़ा है। यदि आपसे कोई भी प्रश्न नहीं बनता है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, कुछ समय के बाद हम आपके लिए ऑनलाइन क्लास भी लेकर आएंगे, और ऑनलाइन क्लास में मेरी 1.5 घंटे की क्लास चलेगी, और मैं इसी प्रकार से आपको टाइप बाय टाइप पढ़ाऊंगा, और आपको बढ़िया समझ में आएगा। तो प्लीज सपोर्ट मी, और एक लाइक तो बनता है। थैंक यू।